शंख नदी चेक पोस्ट के पास चलाया जा रहा वाहन चेकिंग जांच के दौरान एक बस में 10 मजदूर सवार होकर बिहार रोजगार के लिए पलायन कर रहे थे, जिसे डीटीओ अमित बेसरा के द्वारा रोका गया, जिसके बाद लेबर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आकर पलायन कर रहे मजदूरों की कागजी जांच की, जिसके बाद उन्हें लेबर डिपार्टमेंट ले जाया गया। हाँ, सड़क सुरक्षा को लेकर के ये हम लोग का रेगुलर बेसिस का अभियान है, और हम लोगों ने सुबह में भी बाइक जिनको जिसमें लोग हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं और बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, वैसे बाइकधारियों को भी हम लोग हैं जो कि पकड़ रहे हैं, ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट लगा करके चले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है जो कि लोग सेफ तरीके से रोड का है जो कि यूज कर सके। और अभी है जो कि शाम के समय हम लोगों ने फिर से है जो कि वाहन चेकिंग लगाया है, इसमें है जो कि बड़े गाड़ियों को है जो कि हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, कि वैसे गाड़ी जो बिना परमिट के है जो कि चल रहे हैं वैसे गाड़ियों को भी पकड़ा जा रहा है, और वैसे गाड़ी जो ओवरलोडिंग है जो कि चल रहे हैं वैसे गाड़ियों को भी पकड़ा जा रहा है, ताकि एक है जो कि सुरक्षित व्यवस्था है जो कि लोहरदगा में कैम किया जा सके और सड़क दुर्घटना को है जो कि कम किया जा सके। सर 10 अच्छा अभी हम लोगों ने है जो कि एक सम्राट बस को है जो कि पकड़ा था, और उसमें 10 मजदूर है जो यहाँ से बिहार रामगढ़ जा रहे थे, तो हम लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट को इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया। लेबर डिपार्टमेंट के लोग आकर के संबंधित व्यक्तियों का, संबंधित मजदूरों का है जो कि रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके उपरांत क्या कार्रवाई करना है लेबर डिपार्टमेंट उस संबंध में कार्रवाई करेगी। क्या बोल रहे? नहीं, इन लोग को खैर अपना इच्छा है, जहाँ जाना चाहेंगे जा सकते हैं, बट लेबर डिपार्टमेंट में इन लोग को रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। माइग्रेंट लेबर का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होना चाहिए था, उनके थ्रू जो भी लाभ इन लोग को मिलना है सरकारी वो सारा कुछ मिलेगा इन लोग को। बट जब तक लेबर डिपार्टमेंट को पता नहीं रहेगा कि कौन लोग है, कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन लोग रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, तो कैसे कोई भी कुछ करेगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम कुलदीप आनंद, लेबर डिपार्टमेंट। रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है सब एक बार में बोलिए। मेरा नाम बंदे हो रहा है, ठीक है, सरकार आने वाला हूँ, अब मेरा रोजगार जो सरकार जो बनाए रखा है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है, हम लोग क्या करें। हम महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से, नरेगा के माध्यम से निकलाया गया है, उसमें 100 दिन का काम करना है, 100 दिन का काम करने से क्या होगा। तो आप लोग जो काम किए 100 दिन उसका पैसा मिला आप लोगों को? पैसा तो मिल रहा है, हाँ, उसमें कोई बात की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हम लोग का और भी रोजगार मिलेगा तभी तो कर पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं 100 दिन रोजगार दे के छोड़ दिया जा रहा है, हाँ, इसीलिए आप लोग जा रहे हैं दूसरी जगह। खाना खुराक भी चलेगा और प्रॉपर्टी कमा के भी आएंगे 6 महीना के लिए बरसात। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।